रमजान पैकेज जो कि कसीर तादाद अंदर तकसीम हो रहे। वाह वजू रहा करो, जिन्ना तुम वाह वजू रहोगे अल्लाह उन्ना ही कार से रिजक दिया फरावानियां करता। साढ़े नाल ही ना दो गलियां हट के ना एक ईसाई आ बड़ा मालदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन भाई अलहमदुल्ला रमज़ान पैकेज जो कि कसीर तादाद अंदर तकसीम हो रहा और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अमानत आ रही है जो कि अलहमदुल्ला तरतीब वाइज आप तकसीम कर रहे हैं और बिलखसूस रमज़ान पैकेज जिहड़ा कि छे गहराणियां दे अंदर अलहमदुल्ला मुकम्मल जिहदे अंदर डब्बे दे अंदर चीनी चावल घी दालां घर दी यानी कि घरेलू जरूरियात हर चीज़ जी जी। बमा रमजान उल मुबारक होगा शाम टाइम मिठा पानी उदे वास्ते रूह फ़िज़ा बमा आटे की थैली और बिलखसूस माशाल्लाह बहुत ही दिल खुश होया कि रमजान उल मुबारक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कसीर लोगों तक अपने कोलों एक ऐसा वसीला बन के राशन पहुंचा रहे हैं। जो है भाई आप सुन दी हदीस है ना कि जिन्हें किसी ने माड़ा जिहा भी खुश करता ना माड़ा जिहा हौसला देता तसली देती उन्हों 60 नफल पढ़े ना 60 नफल उतो ज़्यादा सवाब है। बेशक बेशक इतना सवाब। मैंने एक वाकया पढ़ रहे हैं कि एक ना मुबीन भाई बहुत ज़्यादा ना अल्लाह के वली बंदे सी हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जेड़े के अपने मरीदा के बैठे से अचानक ना एक शख्स नमूदार होया उन्हें कही हज़रत शेख साहब मेरिया ना छे बेटियां वा तो छे दियाँ छे बेटियां हले कमवारियां मेरे को एक भी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बेटी नू अपने घरों अलविदा कर सकता। शेख ने कहा कि अपने की उहदा यानी कि तरीकेकार आ किन्ना उहदा खर्चा उन्हें कही एक बेटी अगर मैं अपने घरों उठावा तो 1000 दिनार खर्चा तो उन्हें कहा जी इदा कर एक ना साढ़े नाल ही ना दो गलियां हट के ना एक ईसाई आ बड़ा मालदार आ तू उहदे को चल जा शायद अल्लाह उहदे दिल च पा देवे तो तेरा अपने गुजारा हो जाए। ईसाई दे कोल गया उन्हें उल्टा नौज बिल्ला देने की बजाय ना उन्हें उन्होंने भी बुरा भला क्या उदे यानी कि शेख ने भी बुरा भला क्या मुनाफकत तो खैर अपने गल चलती गई उन्हें ना ईसाई ने कहा कि मैं एक शर्त दूंगा ताड़ा जिहड़ा अमीर आ ताड़ा शेख आ वह मेरे आके काम करे मैं तैनू 6000 दिनार दे दूंगा तू अपनी बेटियां नाल विदा कर ला शर्त यह है कि एक साल का 1000 दिनार 6 साल मेरी खेतीबाड़ी करे काम काज करे। वो अपने जो शेख को गया उन्हें कहा शेख मोहतरम मैनू तो उन्हें आ शर्त लाती है तो ताड़े को भी नहीं पूरी होनी। शेख मोहतरम जिहड़े अल्लाह के वली फिर वली होंदे आ उन्होंने कहा जी मैनू यह कबूल आ मैं उहदियां फसलां नू पानी भी लाऊंगा मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तेरिया बेटियां तेरे घरों उठ जाए। कितना इंसानियत वास्ते दर्द है दर्द ही। खैर उन्होंने शर्त स्टाम लिख हो गया उन्हें 6000 दिनार देते उन्हें बेटियां विदा करती अपने घरों तो करते करते ना इन च एक होर बादशाह आ गया उन्हें कहा शेख मोहतरम मैं 12000 दिनार दिना तो हूँ उन्होंने स्टाम लिख हो गया जिहड़ा ईसाई से उन्हें सोचा कि लै भी हूँ बादशाह ने कहना कि शेख ने कहना तुम मेरे को 12000 दिनार लै लो तो लिहाजा तुम ना मेरे खेतीबाड़ी तो मेरी जान छड़वा दो। लेकिन शेख ने 12000 दिनार के नाल होर 12 बेटियां उठाती ईसाई इन्ना मुतासर होया इन्ना मुतासर हो उन्हें कहा यार उन्हें कहा शेख मोहतरम अगर ताडा इन्ना अखलाक है तो ताडे नबी का किन्ना अखलाक होगा कि नबी दे गुलामां दे क्या कहने क्या कहने यानी कि देखो कि एक अखलाक की वजह तो अल्लाह पाक ने वो बादशाह का भी काम करवाता उनियां बेटियां भी अलविदा हो गई तो खेतीबाड़ी तो भी उन्हें इस्लाम भी कबूल किया और सारी खेतीबाड़ी शेख मोहतरम ने वो 6 सी ते अज ही साडी 6 भैणां बैठियां वा 6 भैणां जी बाकी तुसीं ना कोशिश करया करो माशाल्लाह नेक हो साडे तो ज्यादा नेक हो माशाल्लाह वाह वजू रहा करो जिन्ना तुसी वाह वजू रहोगे अल्लाह उन्ना ही कार से रिजक दियां फरावानियां करदा वा ते अल्लाह पाक दी रहमत हुंदी है जिथे इंसान वाह वजू रहिंदा वा। जे भी अज दे खुश नसीब जिन्हां ने एडा माशाल्लाह चलाया वो दसो बिलखसूस ना माशाल्लाह साडी मां जी सैयदा फाखरा शाह साहिबा अलहमदुल्ला उन्होंने तावन के नाल और उन्होंने हसबैंड सैयद मुस्तनसर हुसैन शाह साहब उन्होंने तावन के नाल अलहमदुल्ला अज 6 फैमिलीज़ के अंदर रमजान पैकेज नलके मसाजिद माशाल्लाह राशन तुसी कह लो कि आप कोई ऐसी चीज नहीं जिहड़ी आप ना गिनी है ते ओह ना कीती अलहमदुल्ला रोगां नू रोजगार माशाल्लाह हर चीज के अंदर बढ़ चढ़ के माशाल्लाह तावन हुंदा। मां जी कहंदे हुंदे कि मैं अक्सर इस चीज तो परेशान रहिंदी आ कि किसी ने मैनू कम कहता तो मेरे को ना होवे तो मैनू सब तो परेशानी अपने करीब अल्लाह पाक अरशे मौला जो दुनिया तो जान जगह ताफकमान जिन्नी देर दुनिया च रहन अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे और खुशियां ना मालो माल रखे छोटी जी दुआ करवाइए भी नसीहत कोशिश करो हर काम इस्लाम के मुताबिक इस्लाम अपने बच्चों इस्लाम की तबलीग करो नमाज दी तबलीग करो रमजान उल मुबारक के हवाले ना जितनी भी परेशानियां रमजान उल मुबारक के हवाले ना कोशिश करो कि रोजे मुकम्मल रखो क्योंकि रमजान का एक ऐसा मुकदस महीना एक रोजा जरा छड लैंदा ना मुड़ के सारे साल के भी रोजे रख लवे ना वो साल के पूरे 11 महीने रोजे रखे इधरों एक रोजा रखे समझ लो ता भी पलड़ा एक रोजे वाला भारी होना वा समझ लो साल के यानी कि 11 महीने के काम होना राशन अंदर आटा रूफ चीनी चावल घे इस अलावा दाल माशाल्लाह हर चीज अल्लाह पाक
पाक ने भेजी है, ठीक है। दुआ जी माँ जी फाखरा शाह साहिबा तो उन्होंने हसबैंड साहब जी, ऐ मेरे अल्लाह अज का जितना भी राशन मौला जी के अंदर हर मुकम्मल घरेलू चीज़ का पैकेज है मौला रमज़ान उल मुबारक के हवाले साड़ी माँ जी फाखरा शाह साहिबा ने अलहमदुल्ला उन्होंने तावन और उन्होंने मुकम्मल अलहमदुल्ला लागत के नाल अज का राशन तकसीम किया गया 6 फैमिलीज़ के अंदर। मौला तो अपनी बारगाही कबूलो मंजूर फरमा। मौला जितनी भी साड़ियाँ मावं भैन बैठिया मौला इन्हें अपनी गैब तो मदद नाजल फरमा। मौला अरशे मौला तो इन्हें अपनी खास रहमत नाजल फरमा। मौला असी तेरे गुनाहगार बंदे हैं, लोगों की अमानत लैके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मौला तो अपनी बारगाही कबूल मंजूर फरमा।